particular and want to get these first onto the bat and encourage stroke play as well. With your wicketkeeper. It both ways in that first over itself. How close he's given him a Erasmus. If he's not power available हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा load आ जाएगा generator पे, उसके बाद हम second, third number generator को start करेंगे. कैसा लगा इंडिया के जीतने में? अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है. ऐसा वीडियो में मत बोल, पाकिस्तान पता लगे लोग मारने के लिए. साथ ही साथ में वर्मा जी का आज आखिरी दिन है. वर्मा जी कैसी फीलिंग आ रही है? आप जाओ जान लो. लास्ट टाइम होते होते बिल्कुल परफेक्ट विन हुई इंडिया की. बाउंड्रीज सडनली फोर्स थिंग्स. पहले हमने सोचा था कि हम बाहर खेलेंगे, बट मौसम के खराब चलते हुए बाहर खेल नहीं सकते, और डेक पे मॉइस्चर भी है तो स्लिपरी है सरफेस अभी, और बाहर बॉल नीचे भी चली जाएगी, मतलब सी में. और हमारे पास एक बॉल है अभी, क्योंकि हमने जो बॉल्स ऑर्डर की थी वो अभी तक आई नहीं क्रिकेट बॉल. अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ क्रिकेट खेलेंगे. छः बंदे हैं खेलने वाले, तीन तीन की टीम होगी, बट अभी और कुछ बंदे आ जाएंगे देख देख के, जैसे होता है सबको. पहले स्टार्टिंग में हर कोई ना करता है शिप पे, और उसके बाद फिर हर किसी को खेलने का होता है. तो अभी हम छः जा रहे हैं, उसके बाद बाकी लोग आ जाएंगे, तो क्या पता सात आठ या नौ भी हो जाए. तो अभी मैं जा रहा हूँ कपड़े चेंज करके वहाँ पे आगे फॉरवर्ड में. सही है, सही है, सही है. 4 20 25. सही है, सही है, सही है. 26 22 था, 2-4 एक रन और एक बॉल मिस हुआ. 24 2-4 20 30 एक रन और एक बॉल, और एक लास्ट में अभी 4 आया. 24 ज़्यादा मेहनत के काम के बाद अच्छा खाना. आज कुकी ने स्पेशल बनाया सबके लिए छोले भटूरे, और ये इसको बनाने का कोई राज आज बताओ, बताओ इसको बनाने का कोई आज राज? सैटरडे स्पेशल, सैटरडे स्पेशल छोले भटूरे के साथ स्पेशली है सेवैया. मैं मतलब जब भी हम लोग आते हैं तो हम ये देखते हैं कि खाना क्या बना आज, और आज भी मस्त खाना बना. तो कुकी कह रहा था कि जल्दी आ जाना, ये तो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि छोले भटूरे हैं, तो जितना जल्दी खा लोगे उतना से लगेगा क्योंकि गर्मा गर्म है. बट हम लोग कहाँ सुनने वाले हैं, मतलब जिम जाना है. तो अभी मैं पी रहा हूँ कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी बना ली है, और अब जिम जाने का टाइम है. तो अभी मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, फिर एक घंटे बाद आऊँगा, उसके बाद छोले भटूरे खाए जाएंगे जो कि लग रहे हैं बिल्कुल देखने में अल्टीमेट. वैसे अब ये फटूरे ही बन चुके हैं क्योंकि ठंडे होने के बाद जैसे पता है, बट हम अभी भी खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जिम करके मैं आ गया हूँ. आज सोचा था कि बर्थिंग हो जाएगी और हमें शोरली मिल जाएगी, मतलब पूरे चांसेस थे कि टर्मिनल पे शिप लगेगा, बट लास्ट मोमेंट पे सब कुछ चेंज हो गया. मेल आ गया कि नहीं आपको एंकर पे रहना है, तो अभी शिप एंकर पे खड़ा है और बर्थिंग नहीं होगी, मतलब एसटीएस होगा, थोड़ी शिप टू शिप ट्रांसफ़र होगा, मतलब जेटी पे नहीं लगेगा शिप. बहुत बुरा सिनेरियो है क्योंकि फिर हमें शोर लीव नहीं मिल पाएगी. गिनी चुनी कंट्रीज़ में यहाँ पे शोर लीव मिल रही है, जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ पे आप शॉपिंग के लिए जा सकते हो ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अब वो भी नहीं हो सकता. तो कोई बात नहीं, अब ये चीज़ यहाँ पे चलती रहती है. अभी कुछ महीने बचे हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट के, हाफ कॉन्ट्रैक्ट मेरा ख़त्म हो चुका है, हाफ बचा है, और मैंने एक्सटेंड करने का सोचा क्योंकि मुझे एग्ज़ाम्स देने आ. जैसे कि आपको पता है कि मुझे एग्ज़ाम देने भी क्लास टू के, मतलब सेकंड इंजीनियर के एग्ज़ाम, बट शिप पे बैठे बैठे मैंने सोचा कि था कि थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लूँगा मैं शिप पे रह के. अभी बैठे बैठे नींद आती है. अभी मैंने सिर्फ कॉपी पे बिगिन लिखा है और अभी स्टार्ट नहीं किया. यहाँ फ़ोन है, आधे नोट्स यहाँ पे हैं, आधे लैपटॉप में हैं, अभी वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और नींद अभी से आने लगी है. मैं ये सोच रहा हूँ एग्ज़ाम दूंगा कैसे. रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं क्लास टू के, जो होते हैं वो आपको ज़्यादा लेंदी आंसर होते हैं. सुबह सोने के बाद मैं अभी उठाऊँ, नींद कैसे ना कैसे करके आई थी, और अब उठाऊँ तो मैं जा रहा हूँ नीचे कुछ खाने के लिए. आज इंडिया पाक का मैच भी है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इंडियन पाकिस्तान का मैच. Chasing his one.
And maybe that's the reason. It's travelling with swing. As we're it both ways in that first over itself. How close he's given him, Erasmus! If he's not... You're on screen. The moment they got confirmation. He could have literally run to the start. Boundaries suddenly force things. कैसा लगा इंडिया के जीतने में? अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है. कैसा लगा? कुछ पैसे तो नहीं लगाए थे? कुछ पैसे तो नहीं लगाए थे? 1 लाख लगाए था, 2 लाख मिल गया. My hands were shivering in all of this. Yeah. And I was sitting on the same position. India वर्मा जी was like telling one ball to go, two ball to go. Oh, I was like really shivering. तो आज का मैच देख के बहुत अमेजिंग फीलिंग आई, क्योंकि आज का मैच स्पेशल था. इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो कभी कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा. मतलब ये वाला मैच सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो. बिल्कुल एंड मोमेंट तक चल रहा था कि हाँ कौन जीतेगा कौन. तो हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा अच्छा अमेजिंग था, क्योंकि आज हमारी बर्थिंग होनी थी बट कैंसिल हो गई, नहीं तो सारा का सारा क्रू वहीं पर बिजी होता बर्थिंग के लिए. सबसे स्पेशल चीज़ आज की ये थी कि दिवाली भी है. दिवाली के दिन जब आपको ऐसी खुशी मिले तो उससे ज़्यादा बड़ी खुशी कोई नहीं होती. अगर दिवाली के दिन ऐसी खुशी मिले तो डबल धमाका हो गया. आज के दिन स्पेशल मैच था हमारे लिए, क्योंकि जब तक नेट आ रहा था तब तक हम लोगों ने उसको देखा लाइव. बट जब नेट नहीं आ रहा था तो उसके बाद हम सब ने स्कोर कार्ड देखना स्टार्ट कर दिया. एक्सपीरियंस ये हुआ कि लास्ट के ओवर तक जब 19th और 20th ओवर आया तो यहाँ पे हम शिप की लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो गई थी, तो गूगल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था. तो लोग क्या कर रहे थे, हम व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने फ्रेंड से पूछ रहे थे कि मैच का क्या स्कोर रहा. लास्ट इंटरेस्टेड थे कि या हमें स्कोर एक एक बॉल का, क्योंकि ये ऐसा मैच है जिसमें आपको हर बॉल पे आपको स्कोर पता चाहिए कितना चेस कर रहे हैं वो, कितना स्कोर बन चुका है. और लास्ट के स्पेसिफिकली 2 ओवर्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे और ऐसा लग रहा था कि जस्ट कुछ भी हो सकता है. और स्पेशल थैंक्स टू विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप, वैसे पूरी टीम ने ही अपना 100% दिया. 100 नहीं बल्कि 1000% दिया मैं तो ये कहूँगा, क्यों मैच को एंड मोमेंट तक लेते 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 उन्होंने कैसा ना कैसा जीत ही लिया. तो हैट्स ऑफ टू इंडियन टीम. और आप सबको भी हैप्पी दिवाली. वो पटाखे ज़्यादा मत जलाना, इतना धुआं वैसे ही हो रहा है दिल्ली में, बाकी स्टेट्स में भी. तो किसी की मदद कर देना वो अच्छी चीज़ है, बल्कि पटाखों पे पैसे वेस्ट करने से अच्छा ये है कि आप किसी की मदद कर दो या किसी को खाना खिला दो, आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा और आपको भी खुशी होगी. तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड. टिल देन साइनिंग ऑफ, दिल्ली वाला सेलर. इंडियन टीम को फिर से बेस्ट ऑफ लक और आप सबको फिर से हैप्पी दिवाली. अच्छे से एंजॉय करो इस दिवाली को और अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा दिया जलाओ. सी यू.